राजा प्रजापाल ने पूछा, ब्राह्मण, इस प्रकार महात्मा अग्निदेव का जन्म तो हो गया, किंतु विराट पुरुष के प्राण अपान रूप अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति कैसे हुई? मुनिवर महातापा ने कहा, राजन, मरीचि मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। स्वयं ब्रह्मा जी ने ही अपने पुत्रों के रूप में 14 स्वरूप धारण किए थे। उनमें मरीचि सबसे बड़े थे। उन मरीचि के पुत्र महान तेजस्वी कश्यप मुनि हुए। ये प्रजापतियों में सबसे अधिक श्री संपन्न थे, क्योंकि ये देवताओं के पिता थे। 12 आदित्य उन्हीं के पुत्र हैं। ये 12 आदित्य भगवान नारायण के ही तेजो रूप हैं, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार ये 12 आदित्य 12 मास के प्रतीक हैं और संवत्सर भगवान श्री हरि का रूप है। द्वादश आदित्यों में मार्तंड महान प्रतापशाली है। देवशिल्पी विश्वकर्मा ने अपनी परम तेजों में कन्या संज्ञा का विवाह मार्तंड से कर दिया। उससे इनकी 2 संतानें उत्पन्न हुई, जिनमें पुत्र का नाम यम और कन्या का नाम यमुना था। संज्ञा से सूर्य का तेज सहा नहीं जा रहा था, अतः उसने मन के समान गति वाली वड़वा अर्थात घोड़ी का रूप धारण कर लिया और अपनी छाया को सूर्य के घर में स्थापित करके उत्तर कुरु में चली गई। अब उसकी प्रतिछाया वहां रहने लगी और सूर्य देव की उससे भी 2 संतानें हो गई, जिसमें पुत्र शनि नाम से विख्यात हुआ और कन्या तप्ती नाम से विख्यात हुई। जब छाया संतानों के प्रति विषमता का व्यवहार करने लगी तो सूर्यदेव की आंखें क्रोध से लाल उठी। उन्होंने छाया से कहा, भगनी, तुम्हारा अपनी इन संतानों के प्रति विषमता का व्यवहार करना उचित नहीं है। सूर्य के ऐसा कहने पर भी जब छाया के विचार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो एक दिन अत्यंत दुखित होकर यमराज ने अपने पिता से कहा, तात, ये हम लोगों को की माता नहीं है, क्योंकि अपनी दोनों संतानों शनि और तप्ती से तो ये प्यार करती है और हम लोगों के प्रति शत्रुता रखती है। ये भी माता के समान हम लोगों से विषमतापूर्ण व्यवहार करती है। उस समय यम की ऐसी बातें सुनकर छाया क्रोध से भर उठी और उसने यम को शाप दे दिया, तुम शीघ्र प्रेतों के राजा होगे। जब छाया के ऐसे कटु वचन सूर्य ने सुने तो पुत्र के कल्याण की कामना से बोल उठे, बेटा, चिंता की कोई बात नहीं, तुम वहां मनुष्यों के धर्म और पाप का निर्णय करोगे और लोकपाल के रूप में स्वर्ग में भी तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी। उस अवसर पर छाया के प्रति क्रोध हो जाने के कारण सूर्य का चित चंचल हो उठा था, अतः उन्होंने बदले में शनि को शाप दे डाला, पुत्र, माता के दोष से तुम्हारी दृष्टि में भी क्रूरता भरी रहेगी। ऐसा कहकर भगवान सूर्य उठे और संज्ञा को ढूंढने के लिए चल पड़े। उन्होंने देखा उत्तर कुरु देश में संज्ञा घोड़ी का वेश बनाकर विचर रही है। तत्पश्चात वे भी अश्व का रूप धारण करके वहां पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने अपनी आत्म रूपा संज्ञा से सृष्टि रचना के उद्देश्य से समागम किया। जब प्रचंड तेज से उद्दीप्त सूर्य ने वड़वा रूपनी संज्ञा में गर्भाधान किया तो उनका तेज अत्यंत प्रज्वलित हो 2 भागों में विभक्त होकर गिर पड़ा। आत्म विजयी प्राण और अपान पहले से ही संज्ञा की योनि में अव्यक्त रूप से स्थित थे। सूर्य देव के तेज के संबंध से वे दोनों मूर्तिमान हो गए। इस प्रकार घोड़ी का रूप धारण करने वाले विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से इन दोनों पुरुष रत्नों का जन्म हुआ। इसी कारण ये दोनों देवता सूर्य पुत्र अश्विनी कुमारों के नाम से प्रसिद्ध हुए। सूर्य स्वयं प्रजापति कश्यप के पुत्र हैं और विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा उनकी पराशक्ति है। संज्ञा के शरीर में ये दोनों पहले अमूर्त थे, अब सूर्य का अंश मिल जाने से मूर्तिमान हो गए। उत्पन्न होने के बाद वे दोनों अश्विनी कुमार सूर्य के निकट गए और उन्होंने अपने मन की अभिलाषा व्यक्त की, भगवान, हम दोनों के लिए आपकी क्या आज्ञा है? सूर्य ने कहा, पुत्रों, तुम दोनों देवश्रेष्ठ प्रजापति भगवान नारायण की भक्ति पूर्वक आराधना करो, वे देवादिदेव तुम्हें अवश्य वर प्रदान करेंगे। इस प्रकार भगवान सूर्य के कहने पर अश्विनी कुमार अत्यंत कठिन तप में तत्पर हो गए।
वे चित्त को समाहित कर ब्रह्मपार नामक स्तोत्र का निरंतर जप करने लगे। बहुत समय तक तपस्या करने पर नारायण स्वरूप ब्रह्मा उनसे संतुष्ट हो गए और बड़े प्रेम से उन्हें वर दे दिया। राजा प्रजापाल ने कहा, ब्रह्मन, अश्विनी कुमारों ने अव्यक्त जन्मा भगवान श्री हरि की जिस स्तोत्र द्वारा आराधना की थी उसे मैं सुनना चाहता हूँ, आप उसे बताने की कृपा करें। तो मुनिवर महातपा कहते हैं, राजन, अश्विनी कुमारों ने जिस प्रकार अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की स्तुति की और जिन स्तोत्र के परिणाम स्वरूप उन्हें ऐसा फल प्राप्त हुआ, वह मुझसे सुनो। वह स्तुति इस प्रकार है, भगवान आप निष्क्रिय, निष्प्रपंच और निराश्रय हैं। आपको किसी की अपेक्षा एवं अवलंब नहीं है। आप गुणातीत, स्वप्रकाश, सर्वाधार, ममता शून्य और किसी दूसरे अलंब की अपेक्षा से रहित हैं। ऐसे ओमकार स्वरूप आप प्रभु को मेरा नमस्कार है। भगवान आप ब्रह्मा, महाब्रह्मा, ब्राह्मणों के प्रेमी तथा पुरुष, महापुरुष एवं पुरुषोत्तम हैं। महादेव, देवोत्तम, स्थानु, ये आपकी संज्ञाएं हैं। सबका पालन करना आपका स्वभाव है। भूत, महाभूत, भूताधिपति, यज्ञ, महायज्ञ, यज्ञाधिपति, गोह, महागोह, गोह अधिपति तथा सौम्य, महासौम्य और सौम्य अधिपति, ये सभी शब्द आप में ही सार्थक होते हैं। पक्षी, महापक्षी और पक्षीपति, दैत्य, महादैत्य एवं दैत्यपति तथा विष्णु, महाविष्णु और विष्णुपति, ये सभी आपके नाम हैं। आप प्रजाओं के एकमात्र अधिपति हैं। ऐसे परमेश्वर भगवान नारायण को हमारा नमस्कार है। इस प्रकार अश्विनी कुमार के स्तुति करने पर प्रजापति ब्रह्मा संतुष्ट हो गए। उन्होंने अत्यंत प्रेम के साथ कहा, वर मांगो, तुम लोगों को मैं अभी ये वर देता हूँ जो देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ है तथा जिसके प्रभाव से तीनों लोकों में सुखपूर्वक विचरण कर सकोगे। अश्विनी कुमार बोले, भगवान हमें यज्ञों में देह भाग देने की कृपा करें। प्रजापति, हम चाहते हैं कि देवताओं के समान सदा सोमपान करने का अधिकार हमें प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त देवताओं के रूप में हम लोगों की शाश्वत प्रतिष्ठा हो। ब्रह्मा जी ने कहा, रूप, कांति, अनुपम, आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान तथा सोमरस पीने का अधिकार, ये सब तुम्हें सभी लोकों में सुलभ होंगे। मुनिवर महातपा कहते हैं, राजन, ब्रह्मा जी ने अश्विनी कुमारों को ये सब वरदान द्वितीया तिथि को दिए थे, इसलिए परम श्रेष्ठ तिथि उनकी मानी गई है। सुंदर रूप की अभिलाषा रखने वाले मनुष्य को इस तिथि में व्रत करना चाहिए। ये व्रत एक वर्ष में पूरा होता है। इसमें सदा पवित्र रहकर पुष्पों का आहार करने की विधि है। इससे व्रती की सुंदरता प्राप्त होती है। साथ ही अश्विनी कुमार के जो गुण कहे गए हैं वे भी उसे सुलभ हो जाते हैं। अश्विनी कुमारों के जन्म के इस उत्तम प्रसंग को सदा श्रवण करने वाला मनुष्य पुत्रवान होता है तथा वह सभी पापों से मुक्त भी हो जाता है। राजा प्रजापाल ने पूछा, महाप्राग, परम पुरुष परमात्मा को शक्ति रूपा गौरी ने, जिनका सभी देव दानव स्तमन करते रहते हैं, किस वरदान के प्रभाव से सगुण विग्रह धारण किया? मुनिवर महात्मा ने कहा, जब अनेक रूपों वाले रुद्र की उत्पत्ति हो गई तो उनके पिता प्रजापति ब्रह्मा ने स्वयं भगवान नारायण के श्री विग्रह से प्रकटित हुई परम मंगलमय गौरी को भार्या रूप में वरण करने के लिए दे दिया। इन गौरी देवी को भारती भी कहा जाता है। परम सुंदरी गौरी को पाकर रुद्र की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। तदंतर ब्रह्मा जी ने कहा, रुद्र, तुम तप के प्रभाव से प्रजाओं की सृष्टि करो। इस पर रुद्र मौन हो गए। फिर ब्रह्मा ने जब बार बार प्रेरणा की तो रुद्र ने उत्तर दिया, इस कार्य में मैं असमर्थ हूँ। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, तब तुम तप रूपी धन का संचय करो, क्योंकि कोई भी तपोहीन पुरुष प्रजाओं की सृष्टि नहीं कर सकता। ये सुनकर परम शक्तिशाली रुद्र जल में निमग्न हो गए। जब देवादिदेव रुद्र जल में प्रविष्ट हो गए तो ब्रह्मा जी ने उस परम सुंदरी कन्या गौरी को पुनः अपने शरीर के भीतर अंतर्हित कर लिया।
तत्पश्चात उनके मन में पुनः सृष्टि का संकल्प होने पर 7 मानस पुत्रों की उत्पत्ति हुई। प्रजापति दक्ष भी उनके साथ प्रकट हुए। इसके बाद प्रजाओं की सृष्टि सम्यक प्रकार से बढ़ने लगी। इंद्र सहित समस्त देवता, 8 वसु, रुद्र, आदित्य और मरुद्गण, ये सभी प्रजापति दक्ष की कन्याओं के वंशज विख्यात हुए। इन गौरी के विषय में पहले भी कहा जा चुका है, कालांतर में ब्रह्मा जी ने उन्हें दक्ष प्रजापति को पुत्री के रूप में प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने भी पूर्व काल में इन्हीं गौरी का विवाह महात्मा रुद्र के साथ किया था। भगवान श्री हरि के विग्रह से प्रकट हुई वही गौरी दक्ष की पुत्री होकर दक्षायणी कहलाई। दक्ष प्रजापति ने जब अपनी कन्याओं से उत्पन्न हुए दोत्रों देवताओं के समाज को देखा तो उनका अंतकरण प्रसन्नता से भी भर उठा। साथ ही अपने कुल की समृद्धि कामना से प्रजापति ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। उस यज्ञ में मरीचि आदि सभी ब्रह्मा के पुत्र अपने अपने विभाग में व्यवस्थित होकर ऋतज्ञों का कार्य करने लगे। स्वयं मुनिवर मरीचि ब्रह्मा बने, दूसरे ब्रह्म पुत्र अन्य अन्य स्थानों पर नियुक्त हुए। अत्रि ऋषि को यज्ञ में अन्य स्थान प्राप्त हुआ। अंगरा मुनि इस यज्ञ में अग्निग्ध्र बने, पुलत्स होता हुए और पुलय उद्गाता हुए। उस यज्ञ में महान तपस्वी क्रतु प्रस्तोता हुए बने। प्रचेता मुनि प्रतिहर्ता का स्थान शोभित कर रहे थे। महर्षि विशिष्ट उस यज्ञ में सुब्रमण्य पद पर अधिष्ठित थे। चारों शरद कुमार यज्ञ के सभासद थे। इस प्रकार ब्रह्मा जी से सभी लोगों की सृष्टि हुई है, अतः वे सभी के द्वारा यजन करने योग्य है। इसी कारण यज्ञ के आराध्य ब्रह्मा जी स्वयं उस यज्ञ में उपस्थित थे। पितृगण भी प्रत्यक्ष रूप धारण करके वहां पधारे थे। उन लोगों की प्रसन्नता से जगत में प्रसन्नता छा जाती है। वहां अपना भाग चाहने वाले सभी देवता, आदित्य, वसुगण, विश्वदेव, पितर, गंधर्व और मरुद्गण सबको निर्दिष्ट यथोचित भाग प्राप्त हो गए। ठीक उसी समय वे रुद्र जो बहुत पहले ब्रह्मा जी के कोप से प्रकट हुए थे और जिन्होंने अगाध जल में मगन होकर तप आरंभ कर दिया था, पुनः जल से बाहर निकल पड़े। उस समय उनका शरीर विग्रह ऐसे उद्दीप्त हो रहा था मानो हजारों सूर्य प्रकाशित हो उठे हो। वे भगवान रुद्र संपूर्ण ज्ञान के निधान हैं, समस्त देवता उनके अंगभूत हैं। वे परम विशुद्ध प्रभु तपोबल के प्रभाव से सारी सृष्टि प्रपंच को प्रत्यक्ष देखने की सामर्थ्य से युक्त थे। नरश्रेष्ठ तत्काल ही उनसे 5 दिव्य सर्ग उत्पन्न हुए। इसके अतिरिक्त 4 भौम सर्गों की भी उनसे उत्पत्ति हुई, जिनमें मरण धर्मा जी भी थे। राजन, अब तुम इस रुद्र सृष्टि का प्रसंग सुनो। जब एकादश रुद्रों के अधिपति भगवान महारुद्र 10,000 वर्षों तक तप करके उस घाट जल के ऊपर आए तो उन्होंने देखा वन उपवनों से युक्त सश्यामला पृथ्वी परम रमणीय प्रतीत हो रही है। उस पर मनुष्य और पशुओं की भरमार हो रही है। उन्हें दक्ष प्रजापति के भवन में गूंजते हुए ऋतज्ञों के शब्द भी सुनाई पड़े। साथ ही यज्ञशाला में याज्ञिक पुरुषों के द्वारा उच्च स्वर से किया जाता हुआ वेद गान भी सुनाई पड़ा। तत्पश्चात उन महान तेजस्वी एवं सर्वज्ञ परम प्रभु रुद्र के मन में अपार क्रोध उमड़ पड़ा। वे कहने लगे, अरे ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम अपनी संपूर्ण अंतः शक्ति का प्रयोग करके मेरी सृष्टि की और मुझसे कहा कि तुम प्रजाओं की सृष्टि करो, फिर वह सृष्टि कार्य दूसरे किस व्यक्ति ने संपन्न कर दिया। ऐसा कहकर परम प्रभु भगवान रुद्र क्रोधित होकर बड़े जोर से गरज पड़े। उस समय उनके कानों से तीव्र ज्वालाएं निकल पड़ी। उन ज्वालाओं से भूत, वेताल, अग्नि में प्रेत एवं पूतनाएं करोड़ों की संख्या में प्रकट हो गई। वे सभी अपने अपने हाथों में अनेक प्रकार के आयुध लिए हुए थे। जब उन भूतगणों ने भगवान रुद्र की ओर दृष्टि डाली तो स्वयं उन परमेश्वर ने एक अत्यंत सुंदर रथ की भी रचना कर ली। उस रथ में 2 सुंदर मृग अश्वों के स्थान पर कल्पित हुए। 3 तत्व ही रथ के 3 दंडों का काम कर रहे थे। धर्मराज के उस रथ के अक्ष दंड बने।
तथा पवन उनकी घरघराहट थे। एक दिन रात ये दो उस रथ की पताकाएं थी। धर्म और अधर्म उनके धर्म ध्वज थे, ध्वज दंड थे। उस वेद विद्यावे रथ पर सारथी का कार्य स्वयं ब्रह्मा जी कर रहे थे। गायत्री ही धनुष हुई और प्रणव ने धनुष की डोरी का स्थान ग्रहण किया। उन देवेश्वर के लिए सातों स्वर सात बाण बन गए। इस प्रकार युद्ध सामग्री एकत्रित करके परम प्रतापी रुद्र क्रोध युक्त हो दक्षा यज्ञ विध्वंस करने के लिए चल पड़े। जब भगवान शंकर वहां पहुंचे तो ऋतिज्ञों के मंत्र विस्मृत हो गए। यज्ञ के विपरीत इस अशुभ लक्षण को देखकर उन सभी ऋतिज्ञों ने कहा, देवतागण आप लोग शीघ्र सावधान हो जाएं, आप सभी के सामने कोई महान भय उपस्थित होने वाला है। संभवतः ब्रह्मा द्वारा निर्मित कोई बलवान असुर यहाँ आ रहा है। मालूम होता है कि इस परम दुर्लभ यज्ञ में भाग पाने के लिए उसके मन में विशेष इच्छा जागृत हो गई है। इस पर देवतागण अपने माता में दक्ष प्रजापति से बोले, तात इस अवसर पर हम लोगों को क्या करना चाहिए, आप जो उचित हो वह बताने की कृपा करें। तो दक्ष प्रजापति ने कहा, आप सभी लोग तुरंत शस्त्र उठा लें और युद्ध प्रारंभ कर दें। उनके ऐसा कहते ही अनेक प्रकार के आयुध धारण करने वाले देवताओं एवं रुद्र के अंचरों में घोर संग्राम छिड़ गया। उस युद्ध में वैताल, भूत, कुष्माण, पूतनाएं तथा अनेक ग्रह आयुध हाथ में लेकर लोकपालों के साथ भिड़ गए। रुद्र के अंचर भूतगण आकाश में जाकर भयंकर बाण, तलवार और फरसे चलाने लगे। उस समर भूमि में उन भयंकर भूतों के पास उल्काएं, अस्थि समूह तथा बाण प्रचुर मात्रा में थे। युद्ध भूमि में रुद्रदेव के देखते देखते वे क्रोधपूर्वक देवताओं का प्रचंड प्रहार करने लगे। तदंतर संग्राम का रूप अत्यंत भयावह हो गया। रुद्र ने भाग देवता के दोनों नेत्र एक ही बाण से छेद दिए। उनके बाणों से भाग नेत्रहीन हो गए। ये देखकर तेजस्वी पूसा को क्रोध आ गया और वे रुद्र से जा भिड़े। उस महान युद्ध में पूसा ने बाणों का जाल सा बिछा दिया। ये देखकर शत्रुहंता रुद्र ने पूसा के सभी दांत तोड़ दिए। रुद्र द्वारा पूसा का दंत भंग देखकर देव सेना में सब और भगदड़ मच गई। फिर तो 11 रुद्र वहां से आ गए। तंतर आदित्यों में सबसे कनिष्ठ परम प्रतापी भगवान विष्णु सहसा वहां आ पहुंचे। उन्होंने देव सेना को इस प्रकार हतोत्साहित हो दिशा विदाशाओं में भागते हुए देखकर कहा, वीरो पुरुषार्थ का परित्याग करके तुम लोग कहाँ भागे जा रहे हो। तुम वीरोचित दर्प, महिमा, दृढ़ निश्चय, कुल मर्यादा और ऐश्वर्य भाव इतनी जल्दी कैसे भुला बैठे। तुम्हारे भीतर ब्रह्मा के सभी गुण विद्यमान हैं। तुम्हें दीर्घायु भी प्राप्त हो चुकी है। अतः भूमि पर गिरकर उन परम योनि प्रजापति को साष्टांग प्रणाम करो। ये प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाएगा और युद्ध के लिए सन्नद्ध हो जाओ। उस समय भगवान जनार्दन के श्री अंगों में पीताम्बर शोभित हो रहा था। उनके हाथों में शंख, चक्र और गदा विद्यमान थे। देवताओं से ऐसा कहकर भगवान श्री हरि गरुड़ पर आरूढ़ हो गए। फिर तो भगवान रुद्र से उनका रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। रुद्र ने पाशुपत अस्त्र से विष्णु को और विष्णु ने कुपित होकर रुद्र पर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। उनके द्वारा प्रयुक्त नारायण अस्त्र और पाशुपत अस्त्र दोनों आकाश में परस्पर टकराने लगे। 1000 दिव्य वर्षों तक उनका यह भीषण युद्ध चलता रहा। उस संग्राम में एक के मस्तक पर मुकुट शोभित हो रहा था तो दूसरे का सिर जटा जाल से भूषित था। एक शंख बजा रहे थे तो दूसरे के हाथ में मंगल में डमरू का वादन हो रहा था। एक तलवार लिए हुए थे तो दूसरे दंड धारण किए हुए थे। एक का सर्वांग कंठ हार में संलग्न कोस्त मन से उद्भासित हो रहा था और दूसरे के श्रीअंग भस्म द्वारा भूषित हो रहे थे। एक पीताम्बर धारण किए हुए थे तो दूसरे सर्प की मेखला धारण किए हुए थे। ऐसे ही उनके रुद्र अस्त्र और नारायण अस्त्र में भी परस्पर होड़ मची हुई थी। उन हरि और हर दोनों में बल की एक से एक अधिकता प्रतीत होती थी। ये देखकर पितामह ब्रह्मा जी ने उनसे अनुरोध किया, आप दोनों उत्तम व्रतों के पालन करने वाले हैं, अतः अपने अपने स्वभाव के अनुसार अस्त्रों को शांत कर दें।
ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर विष्णु और शिव दोनों शांत हो गए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने उन दोनों से कहा, आप दोनों महानुभाव हरि और हर के नाम से जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। यद्यपि दक्ष का ये यज्ञ विध्वंस हो चुका है, फिर भी ये संपूर्णता को प्राप्त होगा। दक्ष की इन देव संतानों से संसार भी यशस्वी होगा। लोकपिता में ब्रह्मा जी विष्णु और रुद्र से कहकर वहां उपस्थित देव मंडली से इस प्रकार बोले, देवताओं आप लोग इस यज्ञ में भगवान रुद्र को भाग अवश्य दें, क्योंकि वेद की ऐसी आज्ञा है कि यज्ञ में रुद्र का भाग परम प्रशस्त है। इन रुद्रदेव का तुम सभी स्तवन करो, जिनके प्रहार से भग देवता के नेत्र नष्ट हुए हैं तथा जिन्होंने पूषा के दांत तोड़ डाले हैं, उन भगवान रुद्र की इस लीला से संबंध नामों से स्तुति करनी चाहिए। इसे विलंब करना ठीक नहीं है। इसके फलस्वरूप ये प्रसन्न होकर तुम लोगों के लिए वरदाता हो जाएंगे। जब ब्रह्मा जी ने देवताओं से इस प्रकार कहा तो वे आत्म योनि ब्रह्मा जी को प्रणाम करके परम अनुराग पूर्वक परमात्मा भगवान शिव की संतुति करने लगे। देवगण बोले, भगवान आप विषम नेत्रों वाले त्र्यंबक को मेरा निरंतर नमस्कार है। आपके सहस्त्र अनंत नेत्र हैं तथा आप हाथ में त्रिशूल धारण करते हैं, आपको बार बार नमस्कार है। खटवांग और दंड धारण करने वाले आप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। भगवान आपका रूप अग्नि की प्रचंड ज्वालाओं एवं करोड़ों सूर्यों के समान कांतिमान है। प्रभु आपका दर्शन प्राप्त न होने से हम लोग जड़ विज्ञान का आश्रय लेकर पशुत्व को प्राप्त हो गए थे। त्रिशूल माने तीन नेत्र आपकी शोभा बढ़ाते हैं। आर्तजनों का दुख दूर करना आपका स्वभाव है। आप विकृत मुख एवं आकृति बनाए रहते हैं। संपूर्ण देवता आपके शासन मरती हैं। आप परम शुद्ध स्वरूप सबके सृष्टा तथा रुद्र एवं अच्युत नाम से प्रसिद्ध हैं। आप हम पर प्रसन्न हो, इन पूषा के दांत आपके हाथों से भगन हुए हैं। आपका रूप भ्यावे है, बृहत काय वास्की नाग को धारण करने से आपका कंठदेश अत्यंत मनोरम प्रतीत हो रहा है। अच्युत आप विशाल शरीर वाले हैं। हम देवताओं पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो कालकूट विष का पान किया था उसी से आपका कंठ भाग नील वर्ण का हो गया है। सर्वलोक में ईश्वर विश्व मूर्ति आप हम पर प्रसन्न होने की कृपा करें। भाग के नेत्र को नष्ट करने से मैं पटु देवेश्वर आप इस यज्ञ का प्रधान भाग स्वीकार करने की कृपा कीजिए। नीलकंठ आप सभी गुणों से संपन्न हैं। प्रभु आप प्रसन्न हो और हमारी रक्षा करें। भगवान आपका स्वद सिद्ध स्वरूप गोरवरण से शोभा पाता है। कपाली त्रिपुरारी और उमापति ये आपके ही नाम हैं। पदम योनि ब्रह्मा से प्रकट होने वाले भगवान आप सभी भयों से हमारी रक्षा करें। देवेश्वर आपके श्री विग्रह के अंतर्गत हम अनेक सर्ग एवं अंगों सहित संपूर्ण वेद विद्याओं उपनिषदों तथा सभी अग्नियों को भी देख रहे हैं। परम प्रभु भाव शर्व महादेव पिनाकी हर और रुद्र ये सभी आपके ही नाम हैं। विश्वेश्वर हम आपको प्रणाम करते हैं, आप हम सबको रक्षा कीजिए। इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर देवादिदेव भगवान रुद्र प्रसन्न होकर उनके प्रति बोले। भगवान रुद्र ने कहा, देवताओं भाग को नेत्र तथा पूषा को दांत पुनः प्राप्त हो जाए, दक्ष का यज्ञ पूर्ण हो जाए। देवताओं तुम लोगों में पशुत्व का आ गया था उसे भी मैं दूर कर दूंगा। मेरे दर्शन के प्रभाव से देवता उस पशुत्व से मुक्त होकर शीघ्र पशुपतित्व को प्राप्त होंगे। मैं आदि सनातन काल से संपूर्ण विद्याओं का अधीश्वर हूँ। पशुओं अर्थात बद्ध जीवों में मैं उनके अधीश्वर रूप में था, अतः लोक के मेरा नाम पशुपति होगा। जो मेरी उपासना करेंगे वे पशुपत दीक्षा से युक्त होंगे। भगवान रुद्र के ऐसा कहने पर लोकपिता में ब्रह्मा जी अत्यंत स्नेहपूर्वक हंसते हुए उनसे बोले, रुद्रदेव हम निश्चय ही जगत में पशुपति नाम से प्रसिद्ध होंगे।
साथ ही ये दक्ष भी आपके संबंध से शुद्ध होकर संसार में ख्याति प्राप्त करेगा, संपूर्ण संसार द्वारा इसका सम्मान होगा। परम मेधावी ब्रह्मा जी रुद्र से ऐसा कहकर दक्ष से बोले, वत्स, मैंने गौरी को तुम्हें पहले से सौंप रखा है, उसे तुम इन रुद्र को दे दो। परम सुंदरी गौरी ने दक्ष के घर में कन्या रूप से जन्म ग्रहण किया था। ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने महाभाग रुद्र के साथ उनका विवाह कर दिया। दक्ष कन्या गौरी का रुद्र के पानी ग्रहण कर लेने पर दक्ष का सम्मान उत्तरोत्तर बढ़ता गया। जब ब्रह्मा जी ने रुद्र को निवास के लिए कैलाश पर्वत वरदान किया, तब रुद्र अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए। ब्रह्मा जी भी दक्ष प्रजापति को साथ लेकर अपनी पुरी में चले गए। मुनिवर महातपा कहते हैं, राजन, जब भगवान रुद्र कैलाश पर निवास करने लगे तो कुछ समय बाद अपने पिता दक्ष से प्राणपति महादेव के साथ वैर का प्रसंग गौरी को स्मरण हो आया। अब सहसा उनके मन में रोष का भाव उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगी, मेरे पिता दक्ष ने इन देवादिदेव को यज्ञ में भागने देकर कितना बड़ा अपराध किया था, जिसके फल स्वरूप मेरे पिता का यज्ञ के निमित्त बनाया हुआ नगर तथा उसके यज्ञ का भी विध्वंस करना पड़ा। अतः शिव के अपराधी पिता से उत्पन्न शिव का मुझे त्याग कर देना चाहिए और तपस्या द्वारा इन महेश्वर की आराधना कर दूसरा जन्म ग्रहण कर इनकी अर्धांगिनी बनकर मुझे इन्हें प्राप्त करना चाहिए। पिता दक्ष में तो बांधवोचित प्रेम का लेश भी नहीं रह गया है, अतः अब उनके घर मेरा जाना भी नहीं हो सकता। इस प्रकार भलीभांति विचार करके परम सुंदरी गौरी तप करने के उद्देश्य से गिरिराज हिमालय पर चली गई। दीर्घ काल तक तपस्या करके उन्होंने अपने शरीर को सुखा डाला। फिर योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को दग्ध करके वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट हुई और उमा तथा महाकाली आदि उनके नाम हुए। हिमवान के घर में परम सुंदर रूप से शोभित होकर वे अवतीर्ण हुई कि फिर भगवान रुद्र ही मुझे पति रूप से प्राप्त हों। इस संकल्प से त्रिलोचन भगवान शंकर का स्मरण करते हुए उन्होंने पुनः कठोर तपस्या आरंभ कर दी। इस प्रकार जब गिरिराज हिमालय पर दीर्घ काल तक तप द्वारा उन्होंने आराधना की, तब ब्राह्मण का वेश धारण करके भगवान शिव वहां पधारे। उस समय उनका वृद्ध शरीर था और सभी अंग शिथिल हो रहे थे, साथ ही वे पग पग पर गिरते पड़ते चल रहे थे। बड़ी कठिनाई से वह पार्वती के पास पहुंचकर बोले, भद्रे, मैं अत्यंत भूखा ब्राह्मण हूं, मुझे कुछ खाने योग्य पदार्थ दो। उनके इस प्रकार कहने पर परम कल्याण में शैलेंद्र नंदिनी उमा ने उन ब्राह्मण से कहा, विप्रवर, मैं आपको भोजनार्थ फल आदि पदार्थ दे रही हूं, आप यथाशीघ्र स्नान करके इच्छा अनुसार उन्हें ग्रहण करें। उनके योग कहने पर वे ब्राह्मण देवता पास में ही बहती हुई गंगा के जल में स्नान करने के लिए उतरे। उन ब्राह्मण वेशधारी शिव ने स्नान करते समय ही स्वयं माया स्वरूप एक भयंकर मकर का रूप धारण कर उन ब्राह्मण का अपना पैर पकड़ लिया। फिर पार्वती को ये सब लीला दिखाते हुए कहने लगे, दौड़ो दौड़ो, मैं भारी विपत्ति में पड़ गया हूँ, इस मकर से तुम मेरे प्राणों की रक्षा करो और जब तक इसके द्वारा मैं नष्ट भ्रष्ट नहीं कर दिया जाता तभी तक तुम मुझे बचा लो। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर पार्वती ने सोचा, गिरिराज हिमालय तो मेरे पिता हैं, उनका मैं पितृभाव से स्पर्श करती हूँ और भगवान शंकर का पति भाव से, पर मैं तपस्विनी कैसे इन ब्राह्मण देवता को स्पर्श करूँ। परंतु इस समय जल में घृणा द्वारा पकड़े जाने पर भी यदि मैं इन्हें बाहर नहीं खींचती तो निस्संदेह मुझे ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। दूसरी बात यह कि अन्य धर्म जनित त्रुटियों या प्रत्यवायों का प्राश्चित द्वारा शोधन भी संभव है, किंतु इस ब्रह्म हत्या दोष का तो कोई शोधक कोई प्राश्चित भी नहीं दिखाई पड़ता। इस प्रकार मन ही मन कहकर वह तुरंत दौड़कर वहां पहुंच गई और हाथ से पकड़कर ब्राह्मण को जल से बाहर खींचने लगी। इतने में ही वे देखती क्या है कि जिन भूत भावन शंकर की आराधना के लिए वे तपस्या कर रही थी, स्वयं वे शंकर ही उनके हाथ में आ गए हैं। इस प्रकार उन्हें देखकर वे लज्जित होगी और पूर्व समय का त्याग
उन्हें स्मरण हो आया। अत्यंत लज्जा के कारण उन परम सुंदरी उमा के मुख से भगवान शंकर के प्रति कोई वचन नहीं निकल रहा था, वे बिल्कुल मौन हो गए। इस पर भगवान रुद्र मुस्कुराते हुए कहने लगे, भद्रे तुम मेरा हाथ पकड़ चुकी हो, फिर मेरा त्याग करना तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। कल्याणी, तुम यदि मेरा पानी ग्रहण निष्फल कर दोगे तो मुझे अब अपने भोजन के लिए ब्रह्मपुत्री सरस्वती से कहना पड़ेगा। ये उपहास की परंपरा आगे ना बढ़े, ऐसा सोचकर कुछ लज्जित सी हुई पार्वती कहने लगी, देवादिदेव महेश्वर, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, आपको पाने के लिए मेरा ये प्रयत्न है। पूर्व जन्म में भी आप ही मेरे पति देव थे, इस जन्म में भी आप ही मेरे पति होंगे, कोई दूसरा नहीं। किंतु अभी मेरे संरक्षक पिता पर्वतराज हिमालय हैं, अब मैं उनके पास जाती हूँ, उन्हें जताकर आप विधिपूर्वक मेरा पानी ग्रहण करें। इस प्रकार कहकर परम सुंदरी भगवती उमा अपने पिता हिमालय के पास गई और हाथ जोड़कर उनसे कहा, पिताजी मुझे अनेक लक्षणों से प्रतीत होता है कि पूर्व जन्म में भगवान रुद्र ही मेरे पति रहे हैं, उन्होंने ही दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया था, वे ही संसार के संरक्षक रुद्र ब्राह्मण का वेश धारण कर तपोवन में मेरे पास आए और मुझसे भोजन की याचना की। आप स्नान कर आइए, मेरे इस प्रेरणा पर वे वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाए हुए गंगा जी में गए, फिर वहां मकर द्वारा ग्रस्त हो जाने पर उन्होंने मुझे सहायता के लिए पुकारा, परंतु पिताजी मुझे ब्रह्म हत्या ना लग जाए इस भय से मैंने अपने हाथ से उन्हें पकड़ लिया। मेरे पकड़ते ही वे अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, देवी ये तो पानी ग्रहण है तपोधने, इसमें तुम्हें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। उनके ऐसा कहने पर उनसे स्वीकृति लेकर मैं आपसे पूछने आई हूँ, अतः इस अवसर पर मेरा जो कर्तव्य हो उसे आप शीघ्र बताने की कृपा कीजिए। पार्वती की ऐसी बात सुनकर हिमालय बड़े प्रसन्न हुए और अपनी पुत्री से कहने लगे, सुमुखी मैं आज संसार में अत्यंत धन्य हूँ जो स्वयं भगवान शंकर मेरे जमाता होने वाले हैं, तुम्हारे द्वारा मैं सचमुच संततिवान बन गया। पुत्री तुमने मुझको देवताओं का सिरमौर बना दिया है, पर क्षण भर रुकना, मेरे आने तक थोड़ी प्रतीक्षा करना। इस प्रकार के कर पर्वतराज हिमालय संपूर्ण देवताओं के पिता में ब्रह्मा जी के पास गए। वहां उनका दर्शन करके गिरिराज ने नम्रतापूर्वक कहा, भगवान उमा मेरी पुत्री है, आज मैं उसे भगवान रुद्र को देना चाहता हूँ। इस पर श्री ब्रह्मा जी ने भी उन्हें दे दो कहकर अनुमति दे दी। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर पर्वतराज हिमालय अपने घर पर गए और तुरंत ही तुम्बरू नारद हाहा और हूहू को बुलाया, फिर किन्नरों असुरों और राक्षसों को भी सूचना दी। अनेक पर्वत नदियां वृक्ष औषधि वर्ग तथा छोटे बड़े अन्य पाषाण भी मूर्ति धारण करके भगवान शंकर के साथ होने वाले पार्वती के विवाह को देखने के लिए वहां पर आ गए। उस विवाह में पृथ्वी ही वेदी बनी और सातों समुद्र ही कलश। सूर्य एवं चंद्रमा उस शुभ अवसर पर दीपक का कार्य कर रहे थे तथा नदियां जल ढोने परसने का काम कर रही थी। जब इस प्रकार सारी व्यवस्था हो गई तब गिरिराज हिमालय ने मंदराचल को भगवान शंकर के पास भेजा। भगवान शंकर की स्वीकृति से मंदराचल तत्काल वापस आ गई। फिर तो भगवान शंकर ने विधिपूर्वक उमा का पानी ग्रहण किया। उस विवाह के उत्सव पर पर्वत और नारद ये दोनों गान कर रहे थे। सिद्धों ने नाचने का काम पूरा किया था। वनस्पतियां अनेक प्रकार के पुष्पों की वर्षा कर रही थी तथा सुंदर रूपवती अप्सराएं उत्सव से गा गा कर नृत्य करने में संलग्न थी। उस विवाह महोत्सव में लोकपिता में चतुर्मुख ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्मा के स्थान पर विराजमान थे। उन्होंने प्रसन्न होकर उमा से कहा, पुत्री संसार में तुम जैसी पत्नी और शंकर श्री के पति सबको सुलभ हों। भगवान शंकर और भगवती उमा दोनों एक साथ बैठे थे। उनसे इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी अपने धाम को लौट आए। भगवान वराह कहते हैं, पृथ्वी रुद्र का प्राकट्य गौरी का जन्म तथा विवाह ये सारा प्रसंग राजा प्रजापाल के पूछने पर परम तपस्वी महातपारिषि ने उन्हें जैसे सुनाया था वह संपूर्ण वृत्तांत मैंने तुम्हें बता दिया। देवी गौरी के जन्म विवाह आदि सभी कार्य तृतीया तिथि को ही संपन्न हुए थे, अतः तृतीया उनकी तिथि मानी जाती है। उस तिथि को नमक खाना सर्वथा निषिद्ध है। जो स्त्री उस दिन उपवास करती है उसे अचल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दुर्भाग्यग्रस्त
स्त्री या पुरुष तृतीया तिथि को लवण के प्रत्याग पूर्वक इस प्रसंग का श्रवण करें तो उनको सौभाग्य, धन, संपत्ति और मनवांछित पदार्थों की प्राप्ति होती है। उसे जगत में उत्तम स्वस्थ, कांति और पुष्टि का भी लाभ होता है। राजा प्रजापाल ने पूछा, महामुने, गणपति का जन्म कैसे हुआ? उन्होंने सगुण रूप कैसे धारण किया? ये संशय मेरे हृदय के लिए कष्टप्रद बन गया है, अतः आप इसे दूर करने की कृपा कीजिए। तो महातपा बोले, पूर्व समय की बात है, संपूर्ण देवता और तप को ही धन मानने वाले ऋषिगण कार्य आरंभ करते थे और उसमें उन्हें निश्चय ही सिद्धि प्राप्त हो जाती थी। फिर ऐसी स्थिति आ गई कि अच्छे मार्ग पर चलने वाले लोग विघ्न का सामना करते हुए किसी प्रकार कार्य में सफलता पाने लगे, पर निष्कृष्ट कार्यशील व्यक्ति की कार्य सिद्धि में कोई विघ्न नहीं आता। तब पितरों सहित संपूर्ण देवताओं के मन में ये चिंता उत्पन्न हुई कि विघ्न तो असत कार्यों में होना चाहिए, अतः इस विषय पर वे परस्पर विचार करने लगे। इस प्रकार मंत्रणा करते करते उन देवताओं के मन में भगवान शंकर के पास चलकर इस गुत्थी को सुलझाने की इच्छा हुई। अतः कैलाश पहुंचकर उन्होंने परम गुरु शंकर जी को प्रणाम करके विनय पूर्वक इस प्रकार प्रार्थना की। देवता कहने लगे, देवादिदेव, महादेव, शूलपाणि, त्रिलोचन, भगवन, हम देवताओं से भिन्न असुरों के कार्य में ही विघ्न उपस्थित करना आपके लिए उचित है, हमारे कार्यों में नहीं। देवताओं के इस प्रकार कहने पर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और वे निर्निमेश दृष्टि से भगवती उमा को देखने लगे। देवता भी वहीं थे। पार्थी की ओर देखते हुए मन ही मन सोचने लगे, अरे इस आकाश का कोई स्वरूप क्यों नहीं दिखता? पृथ्वी, जल, तेज और वायु की मूर्ति तो चक्षु गोचर होती है, किंतु आकाश की मूर्ति क्यों नहीं दिखती? ऐसा सोचकर ज्ञान शक्ति के भंडार परम पुरुष भगवान रुद्र हंस पड़े। आकाश की मूर्ति न देखकर शंभु ने जो हंस दिया, इसका अभिप्राय था, बहुत पहले ब्रह्मा जी के मुख से वे सुन चुके थे कि शरीरधारी व्यक्तियों की ही मूर्ति होती है। आकाश के शरीरधारी ना होने के कारण इसकी मूर्ति संभव है, फिर तो उन पर ब्रह्म रुद्र के द्वारा पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इन चारों के संयोग से ये अद्भुत कार्य संभव हो गया। अभी हंसी बंद भी नहीं हुई थी, इतने में एक परम तेजस्वी कुमार प्रकट हो गए। उसका मुख तेज से चमक रहा था, उस तेज से दिशाएं चमकने लगी। भगवान शिव के सभी गुण उसमें सन्निहित थे, ऐसा जान पड़ता था मानो साक्षात दूसरे रुद्र ही हों। वे कुमार एक महान आत्मा थे। वे प्रकट होकर अपनी सस्मित दृष्टि, अद्भुत कांति, दीप्त मूर्ति तथा रूप के कारण देवताओं के मन को मोहित कर रहे थे। उनका रूप बड़ा ही आकर्षक था। भगवती उमा उसे निर्निमेश दृष्टि से देखने लगी। ये अद्भुत कार्य देखकर तथा स्त्री का स्वभाव चंचल होता है, स्वभावतः उमा की आंखें भी इस अनुपम सुंदर बालक पर मुग्ध हो गई। ये मानकर भगवान रुद्र के मन में क्रोध का आविर्भाव हो गया, अतः उन प्रभु ने श्री गणेश को शाप दे दिया, कुमार तुम्हारा मुख हाथी के मुख जैसा और पेट लंबा होगा, सर्प ही तुम्हारे यज्ञोपवीत का काम देंगे, ये नितांत सत्य है। इस प्रकार गणेश जी को शाप देने पर भी भगवान शंकर का रोष शांत नहीं हुआ, उनका शरीर क्रोध से कांप रहा था। वे उठकर खड़े हो गए। त्रिशूलधारी रुद्र का शरीर जैसे जैसे हिलता, वैसे वैसे उनके श्री विग्रह के रोम कूपों से तेजों में जल निकल कर बाहर गिरने लगा। उससे दूसरे अनेक विनायक उत्पन्न हो गए। उन सभी के मुख हाथी के मुख जैसे थे तथा उनके शीर भी आभा काले खैर वृक्ष या अंजन के समान थी। वे हाथों में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे। अब देवता व्यग्र मन से सोचने लगे, अरे ये क्या हो गया? एक ही बालक ऐसा अतुलित महान कार्य कर रहा है। हम देवताओं की अभिलाषा अनायास ही पूरी हो गई, पर इसके चारों ओर ये वैसे ही गण कहाँ से आ पहुंचे? उस समय उन विनायकों के कारण देवताओं की चिंता अत्यधिक बढ़ गई। पृथ्वी में क्षोभ उत्पन्न हो गया। तब चार मुखों से शोभा पाने वाले ब्रह्मा जी अनुपम विमान पर विराजमान होकर आकाश में आए और यूं कहा, देवताओं, तुम लोग धन्य हो,
यो तुम सभी तीन नेत्र वाले अद्भुत रूपधारी भगवान रुद्र के कृपा पात्र हो। साथ ही तुमने असुरों के कार्य में विघ्न उत्पन्न करने वाले गणेश जी को प्रणाम करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। उनसे इस प्रकार कहने के पश्चात ब्रह्मा जी ने भगवान रुद्र से कहा, विभो आपके मुख से प्रकट हुआ जो ये बालक है इसे ही आप इन विनायकों का स्वामी बना दें। ये शेष दूसरे विनायक इनके अनुगामी अनुचर बनकर रहें। प्रभु आप ही मेरी प्रार्थना है, आपसे ही प्रार्थना है कि आपके वर प्रभाव से आकाश को भी शीरधारी बनकर पृथ्वी आदि चार महाभूतों में रहने का सुअवसर मिल जाए। इससे एक ही आकाश अनेक प्रकार से व्यवस्थित हो सकता है। इस प्रकार भगवान रुद्र ब्रह्मा जी बातें कर ही रहे थे कि विनायक वहां से चले गए। फिर पितामह ने शंभु से कहा, देव आपके हाथ में अनेक समुचित अस्त्र हैं, आप ये अस्त्र तथा वर अब इस बालक को प्रदान करें, ये मेरी प्रार्थना है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी वहां से चले गए। तब भगवान शंकर ने अपने पुत्र गणेश जी से कहा, पुत्र विनायक विघ्नहर गजास्य और भवपुत्र इन नामों से तुम प्रसिद्ध होगे। क्रूर दृष्टि वाले ये विनायक बड़े उग्र स्वभाव के हैं, पर ये सब तुम्हारी सेवा करेंगे। प्रकृष्ट यज्ञ दान आदि शुभ कर्म के प्रभाव से शक्तिशाली बनकर ये कार्यों में सिद्धि प्रदान करेंगे। देवताओं यज्ञों तथा अन्य कार्यों में भी सबसे श्रेष्ठ स्थान तुम्हें प्राप्त होगा। सर्वप्रथम पूजा पाने का अधिकार तुम्हारा है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारे द्वारा उस कार्य की सफलता बाधित होगी। महाराज जब ये बातें समाप्त हो गई तो भगवान शंकर ने देवताओं के साथ जलपूर्ण स्वर्ण कलशों के विभिन्न तीर्थों के जल से उन गणेश जी का अभिषेक किया। राजन इस प्रकार जल से अभिषिक्त होकर विनायकों के स्वामी भगवान गणेश की अद्भुत शोभा होने लगी। उन्हें अभिषिक्त देखकर सभी देवता भगवान शंकर के सामने ही उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। देवता कहने लगे, गजानन आप गणों के स्वामी हैं, आपका एक नाम विनायक है, आप प्रचंड पराक्रमी हैं, आपको हमारा निरंतर नमस्कार है। भगवान विघ्न दूर करना आपका स्वभाव है, आप सर्प की मेखला पहनते हैं, भगवान शंकर के मुख से आपका प्रादुर्भाव हुआ है, लंबे पेट से आपकी आकृति उद्भासित होती है, हम संपूर्ण देवता आपको प्रणाम करते हैं, आप हमारे सभी विघ्न सदा के लिए शांत कर दें। राजन जब इस प्रकार भगवान रुद्र ने महान पुरुष श्री गणेश जी का अभिषेक कर दिया और देवताओं द्वारा उनकी स्तुति संपन्न हो गई, तब वे भगवती पार्वती के पुत्र के रूप में शोभा पाने लगे। गण अध्यक्ष गणेश जी की जन्म एवं अभिषेक आदि सारी क्रियाएं चतुर्थी तिथि के दिन ही संपन्न हुई थी। अतः इस तभी से ये तिथि समस्त तिथियों में परम श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त हुई। राजन जो भाग्यशाली मानव इस तिथि को तिलों का आहार करके भक्तिपूर्वक गणपति की आराधना करता है वे उस पर अत्यंत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। महाराज जो व्यक्ति स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण करता है उसके पास विघ्न कभी नहीं फटकते और ना उसके पास लेश मात्र पाप ही शेष रह जाता है। पृथ्वी ने कहा, मेरा उद्धार करने वाले भगवान आपके श्री विग्रह का स्पर्श पाकर महान विक्रमशाली सर्प कैसे मूर्तिमान बन गए तथा उन्हें आपने क्यों बनाया? तो भगवान वरा बोले, सुसुंदरे गणपति के जन्म का वृतांत सुनने के पश्चात राजा प्रजापाल ने यही प्रसंग बड़ी मीठी वाणी में उत्तम रति महातपा से पूछा था। राजा प्रजापाल ने पूछा, भगवान कश्यप जी के वंश से संबंधित नाग तो बड़े ही दुष्प्रकृति के थे, फिर उन्हें विशाल शरीर धारण करने का अवसर कैसे मिल गया? ये प्रसंग आप मुझे बताने की कृपा कीजिए। तो मुनिवर महातपा कहते हैं, राजन मरीचि ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्र थे, उनके पुत्र कश्यप जी थे। मंद मुस्कान वाली दक्ष की पुत्री कद्रु उनकी भार्या हुई। उनसे कश्यप जी के अनंत वास की महाबली कंबल कंकरोटक पदम महापदम शंख पुलिक और पाप राजिल आदि नामों से विख्यात अनेक पुत्र हुए। राजेंद्र
ये प्रधान सर्प कश्यप जी के पुत्र हैं। बाद में इन सर्पों की संतानों से ये सारा संसार ही भर गया। वे बड़े कुटिल और नीच कर्म में रत थे। उनके मुंह में अत्यंत तीखा विष भरा था। वे मनुष्य को अपनी दृष्टि मात्र से ही काट कर भी भस्म कर सकते थे। राजन, उनका देश शब्द की ही तरह तीव्रगामी था। उनका दंश शब्द की ही तरह तीव्रगामी था। उससे भी मनुष्यों की मृत्यु हो जाती थी। इस प्रकार प्रजा का प्रतिदिन दारुण संहार होने लगा। यो अपना भीषण संहार देखकर प्रजा वर्ग एकत्र होकर सबकी शरण देने में समर्थ परम प्रभु भगवान ब्रह्मा जी की शरण में गए। राजन, इसी उद्देश्य को सामने रखकर प्रजाओं ने कमल पर प्रकट होने वाले ब्रह्मा जी से कहा, भगवान आप में असीम शक्ति है, इन तीखे दांतों वाले सर्पों से आप हमारी रक्षा करें, क्योंकि दृष्टि पड़ते ही मनुष्य तथा पशु समूह भस्म हो जाते हैं। ये प्रतिदिन ही की बात हो गई है। भगवान, इन सर्पों द्वारा आपकी सृष्टि का संहार हो रहा है। महामते, आप इसकी जानकारी प्राप्त करके ऐसा प्रयत्न करें कि ये दुखद परिस्थिति शीघ्र दूर हो जाए। तो ब्रह्मा जी बोले, प्रजापालो, तुम भय से घबरा गए हो, मैं तुम्हारा रक्षा अवश्य करूँगा, पर अब तुम सभी अपने अपने स्थान पर चलो। अव्यक्त मूर्ति ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर वे प्रजाएं वापस आ गई। उस समय ब्रह्मा जी के मन में असीम क्रोध उत्पन्न हो गया। उन्होंने वासुकी प्रभृति प्रमुख शर्मा को बुलाया और उन्हें शाप दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, नागो, तुम मेरे द्वारा उत्पन्न किए हुए मनुष्यों की मृत्यु के कारण बन गए हो, अतः आगे संभव मनवंतर में तुम्हारा अपनी ही माता के शाप द्वारा घोर संहार होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार उन श्री सर्पों से कहा, तब सर्पों के शरीर में भय से कपकपी मच गई। वे उन प्रभु के पैरों पर गिर पड़े और ये वचन कही। नाग बोले, भगवान आपने ही तो कुटिल जाति में हमारा जन्म दिया है। विष उगलना, दुष्टता करना, किसी वस्तु को देखकर उसे नष्ट कर देना, ये हमारा अमित स्वभाव आपके द्वारा ही निर्मित है। अब आप ही उसे शांत करने की कृपा करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं मानता हूँ तुम्हें मैंने उत्पन्न किया है और तुम में कुटिलता भी भर दी है, पर इसका अभिप्राय ये नहीं है कि तुम निर्दयी होकर नित्य मनुष्यों को खाया करो। तो सर्पों ने कहा, भगवान आप हमें अलग अलग रहने के लिए कोई सुनिश्चित स्थान की व्यवस्था कर दीजिए और हमारे द्वारा डसे जाने की स्थिति एवं नियम भी बता दीजिए। नागों की ये बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, सर्पो, तुम लोग मनुष्यों के साथ भी रह सको इसके लिए मैं स्थान का निर्णय कर देता हूँ। तुम सब लोग मन को एकाग्र होकर मेरी आज्ञा सुनो। सुतल, वितल और पाताल, ये तीन लोग कहे गए हैं। तुम्हें रहने की इच्छा हो तो यहाँ निवास करो, वहाँ मेरी आज्ञा तथा व्यवस्था से अनेक प्रकार के भोग तुम्हें भोगने के लिए प्राप्त होंगे। रात के सातवें पहर तक तुम्हें वहाँ रहना है, फिर वैवस्वत मनवंतर के आरंभ में कश्यप जी के यहाँ तुम्हारा जन्म होगा। देवता लोग तुम्हारे बंधु बांधव होंगे। बुद्धिमान गरुड़ से तुम्हारा भाईपने का संबंध होगा। उस समय कारणवश तुम्हारी सारी संतान जन्म जय के यज्ञ में अग्नि द्वारा जलकर स्वाहा हो जाएगी। इसमें निश्चय ही तुम्हारा कोई दोष नहीं होगा। जो सर्प अत्यंत दुष्ट और उच्छृंखल होंगे उन्हीं की उस शाप से जीवन लीला समाप्त होगी। जो ऐसा नहीं होंगे वे जीवित रहेंगे। हाँ, अपकार करने पर या जिनका काल ही आ गया हो, उन मनुष्यों को समय अनुसार निगलने या काटने के लिए तुम स्वतंत्र हो। गरुड़ संबंधी मंत्र, औषध और बद्ध गरुड़ मंडल द्वारा दांत कुंठित करने की कलाएं जिन्हें ज्ञात होंगी, उनसे निश्चय ही तुम्हें डर कर रहना चाहिए, अर्थात तुम लोगों का विनाश निश्चित है। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर वे संपूर्ण सर्प पृथ्वी के नीचे पाताल लोक में चले गए। इस प्रकार ब्रह्मा जी से शाप एवं वरदान पाकर वे पाताल में आनंदपूर्वक निवास करने लगे। ये सारी बातें उन नाग महान भावों के साथ पंचवी तिथि के दिन ही घटित हुई थी। अतः ये तिथि धन्य, प्रिय, पवित्र और संपूर्ण पापों का संहारक सिद्ध हो गई। इस तिथि में जो खट्टे पदार्थ के भोजन का परित्याग करेगा और दूध से नागों को स्नान कराएगा, सर्प उसके
मित्र बन जाएंगे। राजा प्रजापाल ने कहा, द्विजवर, मेरा एक प्रश्न यह भी है कि अहंकार से कार्तिकेय की उत्पत्ति कैसे हुई? महामते, आप मेरे संदेह को दूर करने की कृपा कीजिए। मुनिवर महातपा बोले, राजन, संपूर्ण तत्वों में जिन्हें प्रधान स्थान प्राप्त है उन्हें परम पुरुष परमात्मा कहा जाता है। सबके आरंभ में उन्हीं से अव्यक्त तत्व की उत्पत्ति हुई। ये तत्व तीन प्रकार के हैं। परम पुरुष और अव्यक्त के योग से महतत्व का प्रादुर्भाव हुआ। इसी महतत्व को अहंकार भी कहते हैं। इनमें जो पुंस्तत्व है वह भगवान विष्णु अथवा शिव नाम से प्रसिद्ध है। अव्यक्त प्रकृति भगवती उमा देवी या कमल नैना लक्ष्मी है। उन्हीं भगवान शंकर और उमा के संयोग से अहंकार की उत्पत्ति हुई। वे ही सेनापति कार्तिकेय हैं। महामते, मैं अब उन कार्तिकेय की उत्पत्ति का प्रसंग कहता हूँ, तुम मुझसे सुनो। सर्वप्रथम एकमात्र भगवान नारायण ही विराजमान थे। फिर उनसे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात संभव मनु तथा मरीचि और सूर्य आदि प्रकट हुए। फिर इन देवताओं, दानवों, गंधर्वों, मनुष्यों, पशुओं और पक्षियों की सृष्टि हुई। यही संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि कही गई है। सृष्टि का विस्तार हो जाने पर देवताओं और दानवों में एक दूसरे को प्रास्त करने की इच्छा से सदा युद्ध होने लगा, क्योंकि उन दोनों दलों में अपार बल था और उनमें सदा वैर की भावना बनी रहती थी। दैत्यों के सेनाध्यक्ष बड़े बलवान थे, जिन्हें युद्ध में कोई हरा नहीं सकता था। उनके नाम इस प्रकार हैं, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, महाअसुर विप्रचिति, विचित्र, भीमाक्ष और क्रौंच। इन सभी वीरों के बल की सीमा नहीं थी। उस घोर संग्राम के अवसर पर देव सेना में उपस्थित देवता दानवों के तीक्ष्ण बाणों से प्रतिदिन हार रहे थे। उनकी पराजय देखकर बृहस्पति ने कहा, देवताओं, तुम्हारी सेना में कोई सेनाध्यक्ष नहीं है। केवल एक इंद्र से इस सेना की रक्षा हो सके ये नितांत संभव है। अतः तुम लोग अपने लिए किसी सेनाध्यक्ष का अन्वेषण करो। अब इसमें देर करना ठीक नहीं है। बृहस्पति जी के ऐसा कहने पर देवता ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने व्याकुल होकर उनसे कहा, भगवान, हमें आप कोई सेनाध्यक्ष देने की कृपा करें। इस पर ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर देखा, इन देवताओं के लिए मुझे क्या करना चाहिए। इतने में उनका ध्यान भगवान शंकर की ओर गया और फिर सभी देवता, गंधर्व, ऋषि, सिद्ध एवं चारण ब्रह्मा जी को आगे करके कैलाश पर्वत पर चले। वहाँ पशुपति भगवान शंकर का दर्शन करके अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा सभी ने उनकी स्तुति आरंभ कर दी। देवता बोले, महेश्वर, हम समस्त देवता आपकी शरण में आए हैं। भूत भावन, आप त्रिनेत्र, भगवान शंकर, उमापति, विश्वपति, मरुत्पति और जगतपति नाम से विख्यात हैं। आपको हमारा प्रणाम है। प्रभु, आप हमारी रक्षा करें। भगवान, आपके जटापुंज के अग्रभाग पर बैठे हुए चंद्रमा की किरणों के प्रकाश से तीनों जगत स्वच्छ हो रहे हैं। आप ही अच्युत, त्रिशूल, पाणी और पुरुषोत्तम कहलाते हैं। दैत्यों द्वारा उत्पन्न भय हमारे ऊपर आ गया है। आप उससे हमारी रक्षा करने की कृपा कीजिए। श्रेष्ठ देवताओं में भी परम श्रेष्ठ प्रभु आदिदेव, पुरुषोत्तम, हर, भव, महेश, त्रिपुरांतक, विभो, भाग देवता के नेत्र हरने वाले दैत्य रिपु, पुरातन और वृषभध्वज, इस प्रकार आपके अनंत नाम हैं। भगवान, हमारी रक्षा में आप ही सक्षम हैं। गिरजापति प्रभु, पर्वत पत्नी मैना के आप वात्सल्य भाजन हैं। दिवेश्वर, अच्युत, गणेश, भूतेश, शिव, अक्षय, अयन और दैत्य व्रांतक आपकी संज्ञाएं हैं। भगवान, आप हमारी रक्षा करें। पृथ्वी आदि पांच तत्वों में आप प्रतिष्ठित हैं। आपके प्रधान गुण भी पांच हैं। विशेषता ये कि आप आकाश में तो केवल ध्वनि रूप से लीन रहते हैं, अग्नि में शब्द एवं रूप इन दो गुणों से, वायु में तीन रूपों से, जल में शब्द, स्पर्श, रूप, रस इन चार रूपों से और पृथ्वी में गंध सहित पांच रूपों में विराजते हैं। भगवान, अग्नि आपका स्वरूप है। वृक्ष, पत्थर और तिल आदि में आप सार रूप से स्थित हैं। भगवान,
आप महान शक्तिशाली पुरुष हैं, इस समय दैत्यों द्वारा हमें अत्यंत दुख भोगना पड़ रहा है, अतः आप हमारी रक्षा करें। त्रिलोचन, जिस समय ये सारा विश्व सृष्टि शून्य था तथा ये सूर्य चंद्रमा इंद्र आदि भी नहीं थे, उस समय त्रिनेत्र सभी परमाणुओं से परे समस्त बाधाओं से वर्जित केवल आपकी ही सत्ता विराजित थी। भगवान, आप कपाल की माला पहनते हैं, दित्या के चंद्रमा आपके मस्तक की शोभा बढ़ाते हैं, शमशान भूमि में आप निवास करते हैं, भस्म से आपकी अनुपम शोभा होती है, आप शीशनाग का यज्ञोपवीत पहनते हैं। देवेश्वर, मृत्युंजय, आप अपनी तीव्र बुद्धि के सहारे हमारी रक्षा करें। भगवान, आप पुरुष हैं और ये श्री गिरजा अर्धदेह रूप में आपकी शक्ति है, आप में ही ये जगत स्थित है। आवाहनीय आदि अग्नियों ने आपके तीन नेत्रों में स्थान पाया है, समस्त सागर तथा परतों से निकलकर समुद्र तक जाने वाली नदियां आपकी जटाएं हैं, आप विशुद्ध ज्ञान धन हैं, जिनकी दृष्टि दूषित है वे ही आपको भौतिक रूप से देखते हैं। जगत की उत्पत्ति कर्ता भगवान नारायण तथा चार मुखों से शोभा पाने वाले ब्रह्मा भी आप ही हैं। सत्व आदि तीनों गुण, आवाहनीय, अवस्थ आदि तीनों अग्नियां तथा कृत, त्रेता आदि युगों के भेद से आप त्रिमूर्ति बन जाते हैं। प्रभु, ये प्रधान देवता आपकी सहायता चाहते हैं, ये आपको अपना पोषक, तोषक एवं रक्षक मानते हैं, क्योंकि रुद्र विश्व का भरण पोषण करना आपका स्वभाव है, अतः भस्म को भूषण रूप में धारण करने वाले प्रभु आप हमारी रक्षा करें। मुनिवर महातपा कहते हैं, राजन, देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर पशुपति भगवान शंकर स्थित होकर बोले, देवताओं आपका क्या कार्य है, शीघ्र बताइए। तो देवगण बोले, देवेश, दानवों के वध के लिए आप हमें एक सेनापति प्रदान करने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में रहने वाले हम सभी देवताओं का इस समय इसी में कल्याण है। तब भगवान रुद्र ने कहा, देवगण, आप लोग स्वस्थ एवं निश्चिंत हो जाइए, अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों को सेनापति देता हूँ। ये कहकर भगवान रुद्र ने देवताओं को जाने की आज्ञा दे दी और पुत्र उत्पत्ति के निमित्त अपने विग्रह में रहने वाली शक्ति को प्रेरित किया। उनके द्वारा शक्ति के शब्द होते ही एक कुमार प्रकट हो गया, उसकी प्रभा ऐसी थी मानो तपता हुआ सूर्य ही हो। वे अपनी जन्मजात शक्ति को इस प्रकार प्रकाशित कर रहा था मानो वह शक्ति ज्ञान में बनकर एकमात्र उसी के पास पंचभूत हो गई है। राजेंद्र, उस कुमार की उत्पत्ति से संबंधित अनेक प्रकार की कथाएं हैं, बहुत से मनमंत्रों तथा कल्पों में देवताओं के सेनापति होने के विविध प्रसंग हैं। भगवान शंकर जी के शरीर में अहंकार रूप से जिन देवताओं की प्रसिद्धि थी, वे सभी देवता प्रयोजनवश देव सेनापति बनकर शोभा पाने लगे। उस कुमार के उत्पन्न हो जाने पर स्वयं ब्रह्मा जी देवताओं तथा के साथ आए और उन देवादिदेव भगवान शंकर जी की पूजा की। समस्त देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और भगवान शंकर ने उस सेनापति होने का उसे बालक को पाल पोस कर बड़ा किया। तब उस बालक ने देवताओं से कहा, आप लोग मुझे दो सहायक तथा कुछ खिलौने दें। उस समय भगवान रुद्र ने उस बालक की बात सुनकर यह वचन कहा, पुत्र, तुम्हें खेलने के लिए कुकुट तथा सेवा सहयोग के लिए शाख एवं विशाख नाम वाले दो अंचर देता हूँ। कुमार, तुम भूत, ग्रह एवं विनायकों के नेता बनो और देवताओं की सेना के सेनापति हो जाओ। भगवान शंकर जी के ऐसा कहने पर सभी देवगण प्रसन्न होकर अभिलक्षित वाक्यों का उच्चारण करके सेनाध्यक्ष भगवान स्कंद की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, प्रभु, आप भगवान शंकर के सुपुत्र हैं, आप हमारी सेना की अध्यक्षता स्वीकार करने की कृपा करें। आप षण्मुख, स्कंद, विश्वेश, कुकुटध्वज, पावकी, शत्रों को कंपित करने वाले कुमारेश, बाल, ग्रह, अनुक, शत्रुओं को परास्त करने वाले क्रौंच विध्वंसक अर्थात क्रौंच नामक पर्वत को जो आराम से
आसाम में जो स्थित है उसको विदीर्ण करने वाले कितकानंदन शिव कुमार भूतों तथा ग्रहों के स्वामी अग्निनंदन तथा भूतवान भगवान शंकर की संतान हैं त्रिलोचन, आपको हमारा नमस्कार है। राजन, देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर रुद्र कुमार भगवान स्कंद की आकृति तेजी से बढ़ने लगी, फिर तो वे 12 आदित्यों के समान तेजस्वी एवं पराक्रमी हो गई और उनके तेज से तीनों लोक में ताप छा गया। राजा प्रजापाल ने पूछा, गुरु आपने स्कंद को कृतिका पुत्र कैसे कहा है? अथवा वे कुमार पावकी और शन मात्र नंदन क्यों कहे जाते हैं? इसका कारण मुझे बताने की कृपा करें। तो मुनि वर महातपा कहते हैं, राजन मनवंतर के प्रारंभ में कार्तिक की जिस प्रकार उत्पत्ति हुई थी वह प्रसंग मैंने बताया। देवता लोग तो भूत और भविष्य की बातें भी जानते हैं, अतः उनके द्वारा इस गुण द्योतक नामों का उच्चारण हुआ है। अग्नि के पुत्र होने से इनका नाम पावकी हुआ है, यद्यपि इनकी माता गौरी है, किंतु जन्म में कृतिका आदि 6 माताओं ने इन्हें दुग्धपान कराकर पाला था, अतः ये कार्तिकी कहलाए। महाराज, तुम्हारे प्रश्न का इस प्रकार समाधान हो, आत्म विद्यारूपी अमृत का ये विषय अत्यंत गूढ़ है। भगवान शंकर के अहंकार का ये मूर्त रूप है। संपूर्ण पापों के प्रशमन करने वाले स्वयं भगवान शंकर स्कंद रूप में प्रकट हुए थे। पिता में ब्रह्मा जी ने इनके अभिषेक के समय इन्हें षष्ठी तिथि प्रदान की थी, अतः जो व्यक्ति इस तिथि में संयम पूर्वक केवल फल के आहार पर रहकर इनकी पूजा करता है, उसे यदि पुत्र ना हो तो पुत्र की प्राप्ति अथवा निर्धन हो तो धन की प्राप्ति हो जाती है। इतना ही नहीं, मनुष्य मन से भी जिन जिन वस्तुओं की इच्छा करेगा वैसे सुलभ हो जाएंगी। जो पुरुष स्वामी कार्तिक के उपयुक्त गुण नाम पूर्ण स्तोत्र का पाठ करता है उसके घर में बच्चों का सदा कल्याण होता है और वे निरोग रहते हैं। तो राजा प्रजापाल ने पूछा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, दिव्य ज्योति पुंज का शीर धारण बड़े आश्चर्य की बात है, कृपया मुझे शरणागत की इस शंका का आप निराकरण कीजिए। तो मुनिवर महातपा जी कहने लगे, राजन विज्ञान आत्मा सनातन ज्ञान शक्ति को जब किसी दूसरी शक्ति की अपेक्षा हुई तो उसके शीर से एक प्रकाशमान तेज निकल पड़ा जो सूर्य कहलाया। ये उन महान पुरुष का ही एक दूसरा रूप है। फिर उस मूर्ति से संपूर्ण तेज स्थान पा गए, तब उससे तीनों लोकों में प्रकाश फैल गया। उस तेज में अखिल महर्षियों सहित संपूर्ण देवता और सिद्ध अधिष्ठित हैं, इसलिए उन प्रभु को संभव कहा जाता है। उन्हीं से सूर्य का प्राकट्य हुआ, वही स्वयं सूर्य रूप से लक्षित है। उस विग्रह में तुरंत तेजों का समावेश हो जाता है, अतः वे परम तेजस्वी शीर वाले बन गए। वेदवादी मुनिगण इसी तेज की सूर्य आदि नामों से व्यवहार करते हैं। जब वे आकाश में ऊपर उठकर सभी लोगों को प्रकाशित करने लगे तब उनका अनुगुण नाम भास्कर बढ़ गया। इसी प्रकार चारों ओर प्रकाश फैलाने के कारण इनकी प्रभाकर नाम से भी प्रसिद्धि हुई। दिवा और दिवस ये दोनों शब्द एक ही अर्थ के बोधक हैं। इनके तथा दिवस का निर्माण हुआ, अतः ये दिवाकर कहलाए। संपूर्ण संसार के आदि में ये विराजते थे, अतः इन्हें आदित्य कहते हैं। फिर इन्हीं भगवान सूर्य के तेज से भिन्न भिन्न 12 आदित्य उत्पन्न हुए। वैसे प्रधानता एक ही रूप में ये जगत में घूमते रहते हैं। जब इनके शरीर में स्थित पाए जाने वाले देवताओं ने देखा कि ये ही परब्रह्म परमेश्वर जगत में व्याप्त होकर तेज फैला रहे हैं, तब वे श्री विग्रह से बाहर निकल आए और भगवान जी की इस प्रकार स्तुति करने लगे। देवता आले भगवान, आपसे जगत की सृष्टि होती है, आपके द्वारा ही इस विश्व का पालन और संहार होता है। आप आकाश में ऊंचे जाकर निरंतर विश्व में चक्कर लगाते हैं, ऐसे प्रभु की हम सदा उपासना करते हैं। जगत की रचना हो जाने पर प्रतापी सूर्य का रूप धारण कर आप सर्वत्र तेज भर देते हैं,
जिसे सात घोड़े खींचते हैं, जिनकी काल रूपी धुरी है और जो बड़े वेग से चलता है, ऐसा रथ आपकी सवारी है जो आप प्रभाकर और रवि कहलाते हैं। चारों अचर संपूर्ण संसार की आत्मा आप ही हैं। सिद्ध पुरुष कहते हैं कि ब्रह्मा वरुण यम भूत और भविष्य सब कुछ आप ही हैं। भगवान वेद आपकी मूर्ति है, अंधकार दूर करना आपका स्वभाव है, आप वेदांत आदि शास्त्रों की सहायता से ही जाने जाते हैं। यज्ञ में विष्णु रूप से आपके ही निमित्त हवन होता है। हम सभी देवता आपकी शरण में आए हैं, आप प्रसन्न होकर सदा हमारी रक्षा करें देवेश्वर। अब हम लोगों के द्वारा भक्तिपूर्वक की हुई आपकी स्तुति संपन्न हो गई। प्रभु विशेष आग्रह है कि आप हमारी रक्षा का प्रबंध करें। इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर भगवान सूर्य ने तेजोमय मूर्ति को सौम्य बना लिया और उनके सामने शीघ्र ही साधारण प्रकाश फैलाने लगे। उस अवसर पर देवताओं ने कहा, भगवान इस संपूर्ण देवगण में बेचैनी उत्पन्न हो गई थी, अब आपकी कृपा से सभी शांति का अनुभव कर रहे हैं। महात्मा मुनि कहते हैं, राजन सप्तमी तिथि के दिन भगवान सूर्य का प्राकट्य हुआ था, अतः इस तिथि को उपवास करके जो पुरुष भक्तिपूर्वक सूर्य की पूजा करता है, भास्कर रूपधारी प्रभु उसकी इच्छा के अनुसार फल प्रदान कर देते हैं। राजन सूर्य से संबंधित ये कथा बहुत पुरानी है, जिसे तुम सुन चुके। अब आदि मनवंतर में हुई मातृकाओं की उत्पत्ति संबंधी एक अन्य आख्यान है, उसको कहता हूँ सुनो। मुनिवर महातपा कहते हैं, राजन पूर्व समय की बात है, भूमंडल पर एक महान पराक्रमी राक्षस था जिसकी अंधक नाम से ख्याति थी। ब्रह्मा जी के द्वारा वर प्राप्त करके उसका अहंकार चरम सीमा पर पहुंच गया था। सभी देवता उसके अधीन हो गए थे। उसकी सेवा असहाय होने के कारण देवताओं ने सुमेरु पर्वत छोड़ दिया था और उस दानों के भय से दुखी होकर वे ब्रह्मा जी की शरण में चले गए थे। उस समय वहां आए हुए प्रधान देवताओं से पितामह ने कहा, सुरगुणों कहो तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है, तुम क्या चाहते हो? तो देवता ने कहा, जगत पते आप चतुर्मुख हैं, जगत पितामह हैं, भगवान आपको हमारा नमस्कार है। अंधकासुर के द्वारा हम सभी देवता महान दुखी हैं, आप हम सबकी रक्षा करें। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, श्रेष्ठ देवताओं अंधकासुर से रक्षा करना मेरे वश की बात नहीं है। हाँ महाभाग शंकर जी अवश्य सर्वसमर्थ हैं, हम सभी उनकी ही शरण में चले, क्योंकि मैंने ही उसे वर दिया था कि तुम्हें कोई भी मार नहीं सकेगा और तुम्हारा शीर भी पृथ्वी का स्पर्श नहीं करेगा। फिर भी उस परम प्रकर्मी असुर को शत्रु के संहार करने वाले भगवान शंकर मार सकते हैं, अतः हम सब लोगों ने कैलाशवासी प्रभु के पास चले। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ भगवान शंकर जी के पास गए। उन्हें देखकर भगवान शंकर जी ने प्रत्युत्थान आदि द्वारा स्वागत कर उनसे कहा, आप सभी देवता किस कारण से यहाँ पधारे हैं, आप शीघ्र आज्ञा दें जिसको मैं आप लोगों का कार्य तुरंत संपन्न कर दूं। इस पर देवता ने कहा, भगवान दुष्ट चित्त महाबली अंधकासुर से आप हमारी रक्षा करें। अभी वे ऐसा कह ही रहे थे कि विशाल सेना लिए अंधकासुर वहीं आधम का, उस समय वह दानव पूरे साधनों के साथ आया था। उसकी इच्छा थी कि वह युद्ध में चतरंगनी सेना के सहारे शंकर जी को मारकर उनकी पत्नी पार्थी का अपहरण कर ले। उसे सहसा इस प्रकार प्रहार के लिए उद्यत देखकर रुद्र भी युद्ध के लिए उद्यत हो गए। सभी देवता भी उसका साथ देने को तैयार हुए। फिर उन प्रभु ने वासुकी तक्षक और धनंजय को स्मरण किया और उन्हें क्रम से अपना कंकन और कर्धनी बनाया। इतने में नील नाम से प्रसिद्ध एक प्रधान दैत्य हाथी का रूप धारण करके भगवान शंकर जी के पास आया। नंदी उनकी माया जान गई और वीरभद्र को बतलाया बस क्या था। वीरभद्र ने भी सिंह का रूप धारण करके उसे तत्काल मार डाला। उस हाथी का चरम अंजन के समान काला था। वीरभद्र ने उसकी चमड़ी उधेड़ कर उसे भगवान शंकर को समर्पित कर दिया। तब रुद्र ने
उसे वस्त्र के स्थान पर पहन लिया, तभी से वे गजाजिनधारी हुए। इस प्रकार गजचर्म पहनकर उन्होंने श्वेत सर्प का भूषण भी धारण कर लिया। फिर हाथ में त्रिशूल लेकर अपने गणों के साथ उन्होंने अंधकासुर पर धावा बोल दिया। अब देवता एवं दानवों में भीषण संग्राम प्रारंभ हो गया। उस अवसर पर इंद्र आदि सभी लोकपाल, सेनापति स्कंद एवं अन्य सभी देवता भी सम्रांगण में उतर आए। ये स्थिति देखकर नारद जी तुरंत भगवान नारायण के पास गए और बोले, भगवान, कैलाश पर देवताओं का दानवों के साथ घोर युद्ध हो रहा है। ये सुना था कि भगवान जनार्दन भी हाथ में चक्र लेकर गरुड़ पर बैठे और युद्ध स्थल में पहुंचकर दानव के साथ युद्ध करने लगे। उनके वहां जाने पर देवताओं का उत्साह कुछ बढ़ गया अवश्य, किंतु उस समर में उनका मन एक प्रकार से मलान हो चुका था, अतः वे सभी भाग चले। जब देवताओं की शक्तियां समाप्त हो गई तो स्वयं भगवान रुद्र अंधकासुर के सामने गए। उनके साथ उनका रोमांचकारी युद्ध आरंभ हो गया। उस समय उन प्रभु ने उस दानव पर त्रिशूल से भीषण प्रहार किया। फिर तो घायल हो जाने पर अंधकासुर के शीर से जो रक्त जमीन पर गिरा, उससे उसी क्षण दूसरे असंख्य अंधकासुर उत्पन्न हो गए। युद्ध भूमि में ऐसा अत्यंत आश्चर्यपूर्ण दृश्य देखकर परम प्रभु भगवान रुद्र ने प्रथम अंधकासुर के को त्रिशूल के अग्रभाग से बींग दिया और उसे लिए हुए नाचने लगे। शेष माया में अंधकासुरों को भगवान विष्णु ने अपने चक्र से काट डाला। शूल प्रोत प्रधान अंधकासुर के शीर से रक्त की धाराएं अब भी निरंतर प्रवाहित हो रही थी, अतः रुद्र के मन में भीषण क्रोध अग्नि भड़क उठी, जिससे उनके मुख से अग्नि की ज्वाला बाहर निकलने लगी। उस ज्वाला ने एक देवी का रूप धारण कर लिया, जिस लोग योगेश्वरी कहने लगे। इसी प्रकार भगवान विष्णु ने भी अपने रूप के सदृश ज्वाला द्वारा अन्य शक्ति का निर्माण किया। ऐसे ही ब्रह्मा, कार्तिकेय, इंद्र, यम, वराह, महादेव, विष्णु और नारायण, इनके प्रभाव से 8 मातृकाएं प्रकट हो गई। जब श्री हरि ने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह का रूप धारण कर लिया, उस समय जिन्हें अपनाया वे वाराही हैं। इस प्रकार ब्राह्मी, कुमारी, वैष्णी, वाराही, यमी, योगेश्वरी, महेश्वरी और महेंद्री, ये 8 मातृकाएं हैं। क्षेत्रज्ञ श्री हरि ने जिनका जिस कारण से निर्माण हुआ था उस पर विचार करके उसका वही नाम रख दिया। ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर्य, पैशुन्य और असूया, इनकी 8 शक्तियां मातृका नाम से प्रसिद्ध हुई। काम योगेश्वरी, क्रोध महेश्वरी, लोभ वैष्णी, मद ब्राह्मणी, मोह कुमारी, मत्सर्य इंद्राणी, पैशुन्य यम दंडधरा और असूया वाराही नाम से कही गई है, ऐसा जानना चाहिए। ये काम आदि गण भी भगवान नारायण के शीर कहे जाते हैं। उन प्रभु ने जैसी मूर्ति धारण की उनका वैसा नाम तुम्हें बता दिया। तदंतर इन मात्र देवियों के प्रयास से अंधकासुर के रक्त धारा का प्रवाह सूख गया, उनकी असुरी माया समाप्त हो गई। फिर अंधकासुर भी सिद्ध हो गया। राजन, मैंने तुमसे ये आत्म विद्या अमृत तत्व का वर्णन किया है। मातृकाओं की उत्पत्ति का ये कल्याणकारी प्रसंग जो सदा सुनता है, ये माताएं उसकी प्रतिदिन सभी प्रकार से रक्षा करती हैं। राजेंद्र, जो मुख से इन मातृकाओं के जन्म चरित्र का पाठ करता है, वह इस लोक में सर्वथा धन्यवाद का पात्र माना जाता है। अंत में उसको भगवान शिव के लोक की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। महाभाग ब्रह्मा ने उन मातृकाओं के लिए उत्तम अष्टमी तिथि प्रदान की है। मनुष्य को चाहिए कि इस तिथि में बिल्व के आहार पर रहकर भक्ति पूर्वक सदा इनकी पूजा करे। इससे परम संतुष्ट होकर ये मातृकाएं आप उसको कल्याण एवं आरोग्य प्रदान करें।